हेलो दोस्तों, मैं आशुतोष यादव आज एक बार आप सभी लोगों का फिर से हिमालय कोचिंग क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज एक यूनिट डिजिट का हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं, इसको हिंदी में इकाई का अंक बोलते हैं और ये अपने नंबर सिस्टम का पार्ट है। लगभग सभी एग्जाम्स में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत ही आसान टॉपिक है, लेकिन इसके कॉन्सेप्ट को जानना हमारे लिए ज़रूरी है, तभी हम इसके क्वेश्चन एग्जाम में अटैम्प्ट कर पाएंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। देखिएगा, यूनिट डिजिट जिसको इकाई का अंक बोलते हैं हिंदी में, जैसे मान लो मैं एक संख्या लिख दूं यहाँ पे 256, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ इसमें इकाई का अंक बताइए क्या है। तो आप सभी जानते होंगे जो सबसे पहला अंक आता है वो इकाई का अंक ही रहता है, ये इकाई का अंक है। उसके बाद दहाई का अंक आता है, उसके बाद सैकड़ा रहता है, उसके बाद हजार रहता है, 10,000 रहता है, सो ऑन, ऐसे ही चीजें आगे चलती रहती हैं। तो ये इकाई का अंक है दोस्तों। पूरे टॉपिक के अंदर इसी के बारे में हमने बात करनी है, ध्यान से समझना, छोटी छोटी बातों से मैं समझाता हूं आपको। जैसे मान लो मैंने कहा कि यार एक नंबर है 15, इसको आप 13 से मल्टीप्लाई कर दो और मुझे यूनिट डिजिट बताइएगा क्या रहेगा इसमें। तो आप जानते हैं इसको करने का बेसिक मेथड तो यही रहेगा कि आप 15 को 13 से मल्टीप्लाई करें, 13×5 65, 6 13 × 13 और 6 19, 195 आने लग रहा होगा, जिसमें यूनिट डिजिट कितना आ रहा है 5। अब ध्यान से समझना, हमने क्या करना है, 15 के अंदर इकाई का अंक है दोस्तों 5 और 13 के अंदर इकाई का अंक कितना है 3, सिर्फ इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेना है। अगर आप ध्यान से समझ रहे हैं, देख रहे हैं, तो इकाई का अंक ही इकाई के अंक से मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे, 3×5 कितना 15। हमें रिजल्ट चाहिए सिर्फ इकाई का अंक, यूनिट डिजिट, और किसी से कोई मतलब है नहीं। तो इकाई के अंक पे काम करना है, यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 3 है, 5 को 3 से गुणा किया तो कितना आएगा 15, जिसमें इकाई का अंक रहता है 5। उम्मीद है मेरी बात समझ में आई होगी आपको। ऐसे ही नंबर कितने ही बड़े हो सकते हैं, जैसे मैं आपसे कहूँ 123×127, इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करके इकाई का अंक बताना है। तो देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे इकाई का अंक है दोस्तों 3 और यहाँ पे कितना है 7। हमने सिर्फ इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है आपस में, 3 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 21, और 21 में इकाई का अंक कितना रहता है 1। मतलब इन दोनों संख्याओं को गुणा करने के बाद भी इकाई का अंक कितने आने लग रहा होगा, 1 आ रहा होगा। क्लियर? देखिए ध्यान से, जैसे मान लो मैंने कहा कि भाई 69×63×67, इन तीनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करिए और मुझे इकाई का अंक बता दीजिए कितना आएगा। तो देखो, कुछ नहीं करना, हमें सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई नहीं करना है, आप सिर्फ यूनिट डिजिट पे फोकस करें, इकाई के अंक पे फोकस करें। यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे कितना है 7। तो 9 को 3 से गुणा करेंगे कितना आएगा 27। 9 को 3 से गुणा किया 27, लेकिन 27 भी पूरा नहीं लेके चलना, सिर्फ सिंगल डिजिट के अंदर काउंट करिए और इसके अंदर यूनिट डिजिट कितना है दोस्तों 7, इकाई का अंक है इसमें 7। अब यहां से 7 उठाइए और 7 को 7 से गुणा करिए कितना आएगा 49, 49 में इकाई का अंक कितना रहता है 9। तो यही पूरे गुणनफल का इकाई का अंक आएगा 9। जैसे मान लो मैं आपसे कह दूं कि भाई 873×872×879, इसको गुणा करके मुझे इकाई का अंक बता दें। तो आपने क्या करना है, सिर्फ यूनिट डिजिट पे फोकस करिए, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कितना है 9, 3 को 2 से गुणा किया 6 और 6 को 9 से गुणा किया 54 और 54 में इकाई का अंक कितना रहता है 4। दोस्तों यही हमारे सवाल का आंसर है। क्लियर? अब मेरी बात समझिएगा ध्यान से, जो मेन क्वेश्चन अपने पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन होते हैं, वो रहते हैं पावर पे, पावर के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे मान लो आपसे जानना चाहेगा कि यार बताओ 2 की पावर मान लो लिख दिया गया 35, तो इसमें आप इकाई का अंक बताइए क्या रहेगा। तो मेन इसी पे हमने काम करना है, पावर्स के ऊपर ज्यादा काम करना है। ये सब नॉर्मल क्वेश्चंस होते हैं, इनको हम आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हैं। मैं आपको पूरा पहले कॉन्सेप्ट समझाऊंगा इस टॉपिक का, उसके बाद एक पार्ट के अंदर हम सारे ही क्वेश्चन डिस्कस इसके कर लेंगे। चलिए दोस्तों, पावर के बारे में समझते हैं हम, देखना ध्यान से। जैसे मान लो मैंने आपसे कहा कि यार मुझे 2 की पावर 1 करके बता दो कितना आएगा 2 आएगा, मैंने कहा 2 की पावर 2 करके बता दो कितना आएगा 4 आएगा, मैंने कहा 2 की पावर 3 करके बता दो कितना आएगा 8। देखो, किसी नंबर की जितनी पावर रहती है उस नंबर को उतनी ही बार गुणा करना होता है, ये सब आप अच्छी तरीके से जानते होंगे।
मैंने कहा 2 की पावर 4 है यार, इसको आप सोल्व करके बता दो और मुझे सिर्फ इतना बताइए कि 2 की पावर 4 में इकाई का अंक क्या रहता है। वैसे 2 की पावर 4 को आप लोग जानते होंगे, ये रहता है कितना, 16, और 16 में इकाई का अंक कितना रहता है, 6। इस बात को जानने का एक और तरीका भी अपने पास है। जैसे 2 की पावर 4 है, 2 की पावर 4 का मीनिंग रहा 2 को कितनी बार गुणा करना है, 4 बार। 2 को कितनी बार गुणा करना है दोस्तों, 4 बार गुणा करना है। 2 दुनी 4, 4 दुनी 8 और 8 दुनी कितना 16। अब एक बात मेरी ध्यान से समझना, 2 की पावर 1 किया तो कितना आया, 2 आया। 2 की पावर 2 किया तो कितना आया, 4 आया। ये कितना गुना हुआ है यहां से, 2 गुना। देखो जितनी पावर है ना, जो बेस है पावर का अपना, उतने ही गुना ये होते हुए चल रहा होगा। 2 को 2 गुना किया 4 आया, 4 को 2 गुना किया फिर से कितना आया, 8 आया। 8 को 2 गुना किया 16 आया, 16 में कितना चाहिए हमें, 6। यूनिट डिजिट कितना रहेगा, 6। हमने सिर्फ काम यूनिट डिजिट पे करना है। मैं आपसे कहूं यार 2 की पावर 5 करके बता दो कितना आएगा, तो आपने 6 को फिर से 2 से गुणा करना है, कितना रहेगा, 12। और 12 में कितना आता है, 2। मेरी बात समझिएगा ध्यान से, हमें इस किसी भी पावर को याद नहीं रखना है, हमें सिर्फ इनके कॉन्सेप्ट को जानना है, ये किस तरीके से पावर रिपीट करती हैं, कौन सी पावर पे क्या इकाई का अंक रहता है, सिर्फ ये चीजें जाननी है। आप सिर्फ पेशेंस के साथ समझते रहिए बात को। मैंने कहा 2 की पावर 6 है यार, इसमें बता दो इकाई का अंक कितना आएगा। तो वैसे 2 की पावर 6 अगर आप खोलें तो वो रहता है 64 रहता है, 4 उसमें इकाई का अंक रहेगा, आप अच्छे से जानते हैं। लेकिन यहां से निकालने का तरीका क्या रहेगा कि भाई 2 को फिर से 2 से गुणा कर दो, 2 को 2 से गुणा किया कितना आएगा, 4 आएगा इकाई का अंक। मैं आपसे कहूं 2 की पावर 7 में इकाई का अंक बता दो भाई कितना आएगा, तो 4 को फिर से 2 से गुणा कर देना है, कितना आएगा, 8 आएगा। क्लियर। मैं आपसे कहूं भाई 2 की पावर 8 करके बता दो कितना आएगा, तो 2 अटे 16 आएगा, 16 में इकाई का अंक कितना रहता है, 6। उम्मीद है मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। देखिएगा तो आप इनके यूनिट डिजिट पे एक बार फोकस करें ध्यान से, क्या किसी तरीके से रिपीट कर रहे हैं। तो आप देख पा रहे होंगे कि 4 4 पावर पे रिपीटेशन स्टार्ट कर रहे हैं। आप पहली 4 पावर पे इकाई का अंक देखें 2 4 8 6 है, अगली 4 पावर पे इकाई का अंक देखें 2 4 8 6 है। सिर्फ आप इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से देखते रहिए, 3 की पावर 1 कितना रहेगा, 3। 3 की पावर 2 कितना रहेगा दोस्तों, 9 रहेगा। 3 की पावर 3 कितना रहेगा, 27। और 27 में इकाई का अंक कितना रहता है, 7। जैसे हम 2 की पावर करने लग रहे थे क्योंकि इसका बेस 2 था, तो ये 2 गुना होते हुए चल रहे थे। अभी यहां पावर 3 की बात कर रहे हैं हम, बेस यहां पे 3 है, तो ये 3 गुना होते चलेंगे सभी। 3 को 3 गुना किया 9 आया, 9 को 3 गुना किया 27 आया, मतलब 7 आया। अगर मैं आपसे कहूं 3 की पावर 4 करके बता दो तो आप कहेंगे 1 आएगा, 7 को 3 से गुणा करेंगे 21, 21 में 1 आएगा। मैं आपसे कहूं 3 की पावर 5 करके बता दो तो 1 को 3 से गुणा किया कितना आएगा, 3 आएगा। मैं आपसे कहूं 3 की पावर 6 करके बता दो तो 3 को 3 से गुणा किया कितना आएगा, 9 आएगा। क्लियर। मैं आपसे कहूं दोस्तों 3 की पावर 7 करके बता दो तो 9 3 27 7 आएगा। मैं आपसे कहूं 3 की पावर 8 करके बता दो तो 3 7 21 कितना आएगा, 1। सिर्फ यूनिट डिजिट के ऊपर फोकस हमने करना है, ध्यान से समझते रहना मेरी बात को बड़े गौर से। 2 के बारे में हमने पढ़ा, 3 के बारे में हमने पढ़ा। अच्छा देखिएगा ध्यान से, 3 की यूनिट डिजिट्स को देखिए ध्यान से, क्या कोई पैटर्न यहां पर रिपीट कर रहा है। यस, 3 9 7 1 3 9 7 1, 4 पावर पे इनका पैटर्न रिपीट करने लग रहा है। अब मैं उसके बाद अगर बात करूं 7 की पावर 1 कितना रहेगा, 7। आप इस पूरे कॉन्सेप्ट को बड़े ध्यान से समझना, इसके क्वेश्चन करना बहुत ही ज्यादा आसान है, बसरते हम इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझते हो। 7 की पावर 1 करेंगे तो 7 आएगा, 7 की पावर 2 करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 49, जिसमें इकाई का अंक रहता है 9। मुझे सिर्फ यूनिट डिजिट पे काम करना है। मैं आपसे कहूं 7 की पावर 3 करके बता दीजिए, तो आपने 7 की पावर 3 वैसे याद भी होगी, 7 का क्यूब रहता है 343, जिसमें इकाई का अंक दोस्तों रहता है कितना, 3। या फिर मैंने आपसे ये कहा कि भाई ये जितना बेस रहेगा उतने ही गुणा ये होते चलेंगे। 7 को 7 से गुणा किया 49, 49 में 9 आया। अब 9 को फिर से 7 से गुणा करना है, कितना आएगा, 63, 63 में कितना आया, 3 आया। मैं आपसे कहूं 7 की पावर 4 करके बता दो तो 3 को 7 से गुणा किया कितना आया, 21, मतलब 1 आया। मैं आपसे कहूं दोस्तों 7 की पावर 5 करके बता दो तो 1 को 7 से गुणा किया कितना आया, 7 आया। मैं आपसे कहूं 7 की पावर 6 बता दो तो आप 7 को फिर से 7 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 49, मतलब 9 आया।
मैं आपसे कहूं दोस्तों 7 के पावर 7 करके बता दो, तो इस 9 को फिर से 7 से गुणा कर देना है, 63 मतलब कितना आया 3। मैं आपसे कहूं 7 की पावर 8 करके बता दो, तो 3 को 7 से गुणा किया कितना आया 21। और देखिएगा तो ये कितनी पावर पे रिपीट कर रहे हैं, 7 9 3 1 7 9 3 1, ये फिर से 4 पावर के ऊपर रिपीट कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि इन्हीं 4 पावर पे रिपीट करेंगे, अगर आप आगे सोल्व करेंगे 7 की पावर 9 7 की पावर 10 11 12, फिर से यही पैटर्न आ जाएगा 7 9 3 1 7 9 3 1। इसको समझते रहिए बस ध्यान से। मैं आपसे कहूं दोस्तों 8 की पावर 1 बता दो मुझे कितना आएगा, तो आप कहेंगे 8 आएगा। मैं कहूं 8 की पावर 2 करके बता दो, तो आप कहेंगे 64 कितना आएगा 4। मैं आपसे कहूं 8 की पावर 3 करके बता दो, तो आप कहेंगे 8 का क्यूब कितना रहता है 512। 8 का क्यूब रहता है दोस्तों 512, जिसमें यूनिट डिजिट 2 आएगा, क्लियर। या फिर एक और बात मैंने आपको समझाई है कि भाई जितना ये बेस है ना उतने ही गुणा ही होते हुए चल रहे होंगे, तो 8 को 8 से गुणा करेंगे 64 4 आया, 4 को 8 से गुणा करेंगे 32 कितना आया 2 आया। देखो ये बात मैंने आपको पहले भी समझाई है, 8 का क्यूब करने का मतलब 8 को 3 बार गुना करना है। अगर 8 को 2 बार गुना करें 8 8 64 4 यूनिट डिजिट रहेगा यहाँ पे। अगर यहाँ 4 आ गया 2 पावर पे, तो इस 4 को फिर से 8 से गुणा करना है दोस्तों, 4 को 8 से गुणा करें 32 यूनिट डिजिट कितना 2। मुझे काम ही सिर्फ यूनिट डिजिट पे करना है, 8 का क्यूब 512 यूनिट डिजिट 2। मैं आपसे कहूं 8 की पावर 4 करके बता दो, तो आप क्या करेंगे इस 2 को फिर से 8 से गुणा कर देंगे, 8 × 2 = 16 कितना आएगा 6। मैं आपसे कहूं दोस्तों 8 की पावर 5 करके बता दो मुझे, तो आप इस 6 को फिर से 8 से गुणा करेंगे, 8 × 6 = 48 8 आएगा। मैं आपसे कहूं 8 की पावर 6 करके बता दो, तो 8 को फिर 8 से गुणा करेंगे 64 4 आएगा। मैं आपसे कहूं 8 की पावर 7 करके बता दो, तो आप कहेंगे 8 × 6 = 32 यूनिट डिजिट कितना आएगा 2 आएगा। मैं आपसे कहूं 8 की पावर 8 करके बता दो, तो 8 × 2 = 16 यूनिट डिजिट कितना आएगा 6 आएगा, क्लियर। तो अगर आप इन पे फोकस कर रहे हैं यूनिट डिजिट पे, तो 8 4 2 6 8 4 2 6 फिर से ये रिपीट कर रहा है भाई, कितने पे रिपीट कर रहा है 4 पावर के ऊपर रिपीट कर रहा है, क्लियर। तो उम्मीद करता हूं यहां तक की बात आपको पल्ले पड़ी होगी, समझ में आई होगी। तो आप इन डिजिट्स को अगर ध्यान से देखें 2 3 7 और 8 इनकी ही पावर्स हमने पढ़ी है, तो इनके बारे में दोस्तों एक बात तो आप सीख पाए होंगे, क्या सीख पाए होंगे कि इनकी जो पावर के इकाई के अंक हैं वो हर कितनी पावर पर रिपीट करते हैं, हर 4 पावर के ऊपर दोहराए जाते हैं। तो आप इस बात को अपनी कॉपी में लिख लेंगे एक बार, इनके इकाई के अंक हर 4 पावर पर रिपीट करते हैं या दोहराए जाते हैं, क्लियर। मतलब सेम पैटर्न रिपीट करेगा हर 4 पावर के बाद। तो 2 3 7 8, देखो हमने बात किसकी करनी है दोस्तों, हमने बात करनी है उन 9 अंकों की, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और 0 को और इंक्लूड कर लेते हैं इसके अंदर। इन्हीं सब अंकों से मिलकर सारी संख्याएं बनी होती है, क्लियर। तो हमें सिर्फ फोकस करना है यूनिट डिजिट पे, एक ही अंक पे फोकस करना है, तो सिंगल डिजिट के अंदर यही अंक होते हैं सिर्फ, आप जानते हैं बात बहुत ही अच्छे से। तो 0 से लेकर 9 तक इनके बारे में हमने बड़े ध्यान से पढ़ना है, हमने 2 3 7 और 8 के बारे में पढ़ा। इसको आप ध्यान रखेंगे कि इनके इकाई के अंक हर 4 पावर पर रिपीट करते हैं, क्लियर। उसके बाद दोस्तों ध्यान से समझना मेरी बात को, मैं अब बात कर रहा हूं 4 और 9 के बारे में। 4 के बारे में पढ़ेंगे पहले, उसके बाद 9 के बारे में पढ़ेंगे। अगर मैं आपसे कहूं यार 4 की पावर 1 करके बता दो, तो आप कहेंगे 4 आएगा। मैं आपसे कहूं 4 की पावर 2 करके बता दो कितना आएगा 16, मतलब 6 आएगा यूनिट डिजिट। मैं आपसे कहूं दोस्तों 4 की पावर 3 करके बता दो, तो आप जानते हैं यार 4 अगर इसका बेस है ना, तो ये 4 गुना होते ही चलेगा। 4 की पावर 1 4 आया, अब इस 4 को वापस 4 से गुणा करेंगे तो 16 आएगा, मतलब 6। इस 6 को फिर 4 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 24, मतलब 4। मैं आपसे कहूं 4 की पावर 4 करके बता दो, तो इस 4 को फिर 4 से गुणा कर देंगे कितना आएगा 16, मतलब 6। मैं आपसे कहूं 4 की पावर 5 बता दो यार, तो 4 6 24, 4 आएगा। आपसे कहूं 4 की पावर 6 बता दो, तो 4 6 16, 6 आएगा। 4 की पावर 7 बता दो, 4 6 24, 4 आएगा। 4 की पावर 8 बता दो, तो 4 चौक 16, 6 आएगा, क्लियर।
तो आपने एक बात ऑब्जर्व की कि यार यहां पे जो इकाइकांक है वो हर दो पावर के बाद दोहराया जा रहा है, हर दो पावर के बाद सेम रिपीट करने लग रहा है। या फिर एक और भी तरीके से इस बात को हम पढ़ेंगे, पहले मैं नो के बारे में और लिख देता हूं, देखिए ध्यान से, मैं यहां पे लिख रहा हूं नो की पावर एक, नो की पावर एक में इकाइकांक कितना रहता है नो, मैं आपसे कहूं नो की पावर दो इकाइकांक कितना रहेगा 81 मतलब इकाइकांक रहेगा एक, नो की पावर तीन करके बता दो तो उसी फंडे को फिर से लागू करना है आपने कि भाई ये नो गुना ही होते चलेंगे क्योंकि ये बेस कितना है नो, तो नो ने 81 एक आया, एक को फिर नो से गुणा किया तो नो आया, नो की पावर चार अगर खोलें तो फिर नो से गुणा करोगे नो ने 81 एक आया, नो की पावर पांच अगर खोलें तो नो एकम नो यूनिट डिजिट नो आएगा। मैं आपसे कहूं दोस्तों नो की पावर छह करके बता दो तो नो ने 81 एक आएगा, नो की पावर सात करके बता दो नो एकम नो आएगा, नो की पावर आठ करके बता दो नो नेम 81 एक आएगा। क्लियर है इतनी बात आपको? तो अगर आप चार और नो को बड़े ध्यान से देख रहे हैं तो इनकी जो पावर है वो हर दो पावर के बाद, इनकी जो इकाई के अंक है वो हर दो पावर के बाद रिपीट करने लग रहे हैं, चार छह चार छह चार छह चल रहा है, यहां नो एक नो एक नो एक नो एक चलने लग रहा है। तो दोस्तों इसको हमने कैसे समझना है, मेरी बात को बड़े ध्यान से समझना। चार और नो की अगर हम बात करें तो देखो इवन और ओड के बारे में उम्मीद करता हूं सभी जानते होंगे, मैं लास्ट वीडियो में आप लोगों को बता चुका नंबर्स के बारे में सारी बातें। इवन नंबर सम संख्या जो दो से डिवाइड हो जाती है पूरी पूरी, जैसे दो चार छह आठ सोन ऐसे चलते रहते हैं। ऑड नंबर जो दो से एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं होता, 1 3 5 7 9 इस तरीके से इनफाइनाइट तक ये जाने लग रहे होंगे। तो आप देख रहे हैं चार की पावर जहां जहां ऑड नंबर है, ऑड नंबर मैं पॉइंट आउट कर रहा हूं 1 3 5 7 मतलब जहां जहां चार की पावर एक ओड नंबर आएगा, एक विषम संख्या आएगी, तो उसका जो यूनिट डिजिट बनेगा वो ऑलवेज कितना बनेगा दोस्तों 4 बनेगा। यूनिट डिजिट ऑलवेज कितना बनेगा 4 बनेगा। अगर मैं आपसे कहूं कि चार की पावर इवन नंबर कर दीजिए, चार की पावर एक इवन नंबर कर दीजिए मतलब एक सम संख्या, तो भाई 2 4 6 8 ये सारे इवन नंबर हैं और इन सब इवन नंबर पे इकाइकांक कितना बन रहा है 6 बन रहा है। क्लियर? तो चार की पावर अगर इवन नंबर होगा तो इकाइकांक ऑलवेज कितना आएगा 6। इस फंडे को भी आप ध्यान में रखेंगे। उसके बाद देखिएगा मैं कुछ एक बातें आपको बताऊंगा, दो से तीन बातें जो कि इस पूरे टॉपिक के अंदर लागू हो रही होगी, ध्यान से समझिए। नो की पावर अगर एक ओड नंबर किया, एक एक ओड नंबर है, तीन भी ओड नंबर है, पांच भी ओड नंबर है, सात भी ओड नंबर है, तो भाई नो की पावर जब एक ओड नंबर अगर हम करेंगे तो हम रिजल्ट कितना देगा हमें नो देगा, ऑलवेज रिजल्ट कितना देगा दोस्तों नो देगा। नो की पावर ओड नंबर रिजल्ट नो देगा। अगर मैं आपसे कहूं नो की पावर एक इवन नंबर कर दीजिए, इवन नंबर, तो इवन नंबर रिजल्ट हमें ऑलवेज कितना देगा 1 देगा, 1 रिजल्ट देगा। तो ये दोनों फंडे चार और नो के लिए काम करते हैं। तो आप एक सिंपल सी बात यहां से समझेंगे, आपको याद ये भी नहीं रखना कि ओड नंबर पे क्या आएगा इवन नंबर पे क्या आएगा, या नो की पावर ओड करे तो क्या आएगा इवन करे तो क्या आएगा। आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि चार और नो के अंदर हम कौन सा रूल लागू करते हैं, ओड और इवन का। आप सिर्फ इतनी सी बात ध्यान रखेंगे कि चार और नौ के अंदर हम कौन सा रूल लागू करते हैं, ओड और इवन का। उसके बाद अंक बच जाते हैं दोस्तों 0 1 5 6, ये चार अंक हमारे बच जाते हैं 0 1 5। चार हमने ये पढ़े, दो ये पढ़े, 6 अंक हो गए, चार अंक बचे हुए। इनके बारे में बड़े ध्यान से समझिए, बड़े ही आसान है। जीरो की मैं कहूं आपको कोई पावर कर दो, मैं आपसे कहूं जीरो की पावर कितनी कर दो भाई 50 कर दो, तो जीरो की कितनी ही पावर कर लीजिए अपने को रिजल्ट कितना मिलेगा 0 ही मिलेगा। जीरो की कितनी ही पावर कर लीजिए, किसी की पावर करने का मतलब उस नंबर को उतनी बार मल्टीप्लाई करना है, तो रिजल्ट मुझे 0 ही देगा। ये जैसे मैं आपसे कह दूं कि भाई 1 की पावर मुझे 50 करके बता दो, तो 1 की पावर 50 का मतलब ये हुआ 1 को कितनी बार गुना करना है 50 बार मल्टीप्लाई करना है। 50 बार अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या कुछ बदल जाएगा भाई, 1 ही रहेगा। यहां भी मैं आपसे कह दूं कि भाई 5 की पावर 50 करके मुझे बता दो, 5 की पावर 50 करके बता दो, क्या कुछ बदल जाएगा यहां पे? 5 की पावर 50 करने का मतलब है 5 को कितनी बार गुणा करना है भाई 50 बार गुणा करना है। अब 5 को आप कितनी ही बार गुणा करें क्या इसका यूनिट डिजिट चेंज हो जाएगा, आप खुद करके देखिए। 5 को 5 से गुणा किया 25, 5 ही रहेगा उसमें इकाइकांक, 25 में 5 रहता है। अब 5 को फिर 5 से किया
तो फिर 25 आएगा, फिर इकाइकांक 5 है, फिर 5 से करते रहिए, तो कितनी ही बार करेंगे ये इकाइकांक कभी चेंज ही नहीं होगा, कितना रहेगा 5 ही रहेगा। मैं आपसे कहूं भाई 6 की पावर 50 करके बता दो मुझे इकाइकांक कितना आएगा, तो ऐसे ही 5 वाला फंडा 6 पे लागू होता है, 6 को आप कितनी ही बार गुना करें इकाइकांक कभी चेंज नहीं होगा। 6 को 6 से गुना किया 36, 6 रहेगा, फिर 6 को 6 से गुना किया 36, 6 ही रहेगा, इसमें भी इकाइकांक कभी चेंज नहीं होता, ऑलवेज सेम रहेगा। तो ये चारों ऐसे नंबर हैं, 0, 1, 5, 6 ऐसे नंबर हैं जिनकी प्रत्येक पावर पर, किसी भी पावर पर, जिनकी प्रत्येक पावर पर इकाइकांक यही अंक रहते हैं। चलिए दोस्तों, इसके आगे हम बढ़ रहे हैं, ध्यान से देखिए, जो मैंने सारा आपके सामने समझाया लास्ट पार्ट में, उसका सारा कंक्लूजन इन तीन बातों में मैंने लिख दिया। जैसे फर्स्ट वाली बात है 2, 3, 7, 8, इनके जो इकाई के अंक रहेंगे वो हर चार पावर पर रिपीट कर रहे होंगे, ये बताया मैंने। 4 और 9, इन अंकों के जो इकाई के अंक है वो हम कैसे चेक करेंगे, इवन ओड पे। इसको याद रखने की आवश्यकता भी नहीं है, मैं बता रहा हूँ कैसे करेंगे आप। वैसे ध्यान ये रख लीजिए कि 4 की इवन पावर पे 6 रहेगा इकाई का अंक और 4 की ओड पावर पे 4 रहेगा, 9 की इवन पावर पे इकाई का अंक 1 रहेगा और 9 की ओड पावर पे 9 ही रहेगा। 0, 1, 5 और 6 इन चारों अंकों के इकाई के अंक प्रत्येक पावर पर यही अंक रहते हैं, इतनी बात आपको क्लियर हुई होगी। इसके बाद देखिए ध्यान से, अब मैं इनके एग्जांपल लेना स्टार्ट करता हूं जिसके थ्रू सारी बातें आपके क्लियर हो जाएगी। पहले मैं 4 और 9 के एग्जांपल ले लेता हूं, यहां पे ध्यान से समझना। जैसे दोस्तों मैं आपको कह दूं कि भाई 4 की पावर मुझे 24 करके बता दो। 24 एक कैसा नंबर होता है, इवन नंबर होता है। 24 कैसा नंबर होता है, इवन, क्योंकि 2 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है। तो 4 की पावर जब इवन करेंगे तो आपको याद नहीं रखना है, आप क्या समझे 4 की कोई भी छोटी सी पावर करके देख लो जो एक इवन नंबर है। तो सबसे छोटा इवन नंबर आप 2 की बात कर लेंगे, 4 की पावर 2, और 4 की पावर 2 पे इकाइकांक दोस्तों कितना रहता है, 16 में 6। 4 की पावर 2 16 मतलब 6। मैं एक और एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूं। जैसे मान लो मैंने कहा कि भाई 4 की पावर 73, 4 की पावर 73, इसमें मुझे इकाइकांक करके बता दें, तो आप देख पा रहे हैं ये 4 की पावर कैसा नंबर है, ये एक ओड नंबर है, एक विषम संख्या है क्योंकि 2 से एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं है। तो 4 की पावर कोई भी एक छोटा सा ओड नंबर करके देख लो, 4 की पावर ओड नंबर कितना कर लेते हैं, 1, तो जो इस पे रहेगा वही 73 पे रहेगा, समझ पा रहे हैं। तो 4 की पावर 1 पे इकाइकांक कितना रहेगा, 4। इतनी सिंपल सी बात है जो आप लोगों ने समझनी है। एक और एग्जांपल मैं 9 के बारे में दे देता हूं। जैसे मान लो मैंने कहा यार कि 9 की पावर मुझे आप 105 करके बता दीजिए, 9 raised to power 105, तो आपने एक सिंपल सी बात जाननी है यहां से कि भाई ये 105 कैसा नंबर है, ये एक ओड नंबर है, ये एक विषम संख्या है। तो 9 की पावर कोई भी एक छोटी सी विषम संख्या कर लो, 9 की पावर कितना कर लेता हूं, 1, एक एक ओड नंबर रहता है, तो 9 की पावर 1 कितना रिजल्ट देगा, 9 ही देगा, बड़ी आसान सी बात है। जैसे मैं आपसे कह दूं दोस्तों कि 9 की पावर मुझे आप 256 करके बता दीजिए कितना आएगा, तो आपने यही बात जाननी है कि 9 की पावर ओड नंबर है या इवन नंबर है। तो आप समझ पा रहे होंगे एक इवन नंबर है क्योंकि लास्ट में कितना है, 6, लास्ट में 6 है तो ये संख्या 2 से डिवाइड हो जाएगी, तो ये एक इवन नंबर है। तो कोई भी एक छोटा सा इवन नंबर आप करके देख लीजिए, 9 की पावर कर लिया 2, ये 2 एक इवन नंबर है, और 9 की पावर 2 कितना रहता है, 81 में कितना आता है, 1 यूनिट डिजिट आता है, ये सवाल का आंसर। उम्मीद करता हूं मेरी बातें आपको समझ में आ रही होगी। तो आपने एक बात जाननी है यहां से कि 4 और 9 जब भी आपको बेस दिखेगा तो आपके दिमाग में डायरेक्ट ये आना चाहिए कि हम किस पे चेक करेंगे भाई, इवन और ओड पे चेक करेंगे। इतनी सिंपल सी बात जाननी है। अब मेरी एक और छोटी सी बात समझिए यहां से। मान लो मैंने अभी तो लिखा 4 की पावर या 9 की पावर, मैं लिख देता हूं भाई 24 की पावर, मैं लिख देता हूं 24 की पावर, सपोज करिए मैंने लिख दिया 52, क्लियर। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, एक बात ध्यान से समझना, 24 की पावर 52 का मतलब क्या हुआ भाई, 24 को गुणा करना है, 24 को गुणा करना है कितनी बार, 52 बार।
देखो जितनी पावर रहती है मतलब उतनी बार उस नंबर को मल्टीप्लाई करना होता है। तो मेरी बात बड़े ध्यान से समझिएगा, इसका मतलब क्या हो, हमने 24 को 52 बार गुणा करना है और हमें यूनिट डिजिट पता करना है। मैंने थोड़ी देर पहले आप लोगों से डिस्कस किया कि भाई यूनिट डिजिट अगर निकालना होता है तो सिर्फ यूनिट डिजिट को ही मल्टीप्लाई करते हैं। यहां पे यूनिट डिजिट 4 है, यहां पे भी 4 है, आगे आने वाले 52 संख्याओं में यूनिट डिजिट कितना रहेगा, 4। मतलब तो ये हो गया भाई 4 को गुणा करना है और 4 को कितनी बार गुणा करना है, 52 बार। 4 को गुणा करना है हमने कितनी बार, 52 बार। तो मेरे कहने का अर्थ क्या है, मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं यहां से, कि जो नंबर है 24, हमने 24 पे फोकस नहीं करना, हमने फोकस करना है इसके सिर्फ इकाई के अंक पे। तो मतलब यहां पे मुझे फोकस करना था सिर्फ 4 पे ना कि 2 पे। मैं बाहर निकाल के लाऊंगा 4 की पावर कितना भाई, 52। 4 की पावर कितना भाई, 52। क्लियर? तो 4 की पावर 52 अगर करे, 52 कैसा नंबर है, एक इवन नंबर है, 52 एक इवन नंबर होता है 52। तो 4 की पावर एक छोटा सा इवन नंबर कर लो कितना, 2, और 4 की पावर 2 रिजल्ट कितना देगा, 16, और 16 में इकाई अंक कितना रहता है दोस्तों, 6। ये सवाल का उत्तर। मैं एक और तरीके से अपनी बात को समझाता हूं। जैसे मैंने कहा कि भाई 129 रेस टू द पावर 373, आप मुझे इसको सोल्व करके इकाई का अंक बता दे। इसका मीनिंग हुआ कि भाई 129 की पावर करनी है 373, मतलब 129 को गुणा करना है कितनी बार, 373 बार। 129 को गुणा करना है कितनी बार, 373 बार। तो आपने गुणा करके क्या बताना है, सिर्फ यूनिट डिजिट बताना है। देखिए टॉपिक का नाम यूनिट डिजिट है, इकाई का अंक बताना है, सिर्फ एक अंक पे काम करना है, तो आप उसी पे फोकस रखें अपना। इसका मीनिंग हुआ हमें 9 को गुणा करना है, 9 को गुणा करना है कितनी बार, 9 को गुणा करना है भाई कितनी बार, 373 बार। तो इसका मीनिंग तो यही हो गया कि 129 की पावर ना करके हम 12 को यहां से बिल्कुल नेग्लेक्ट कर देंगे और क्या लेंगे, सिर्फ 9। 9 की पावर कितना करना है, 373 करना है। तो 9 की पावर दोस्तों कैसा नंबर आपको ये दिख रहा है, क्योंकि लास्ट में 3 है तो ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, एक ओड नंबर है, और 9 की पावर एक ओड नंबर, छोटा सा कोई भी ओड नंबर ले लो कितना, 1, और 9 की पावर 1 पे इकाई अंक कितना रहता है, 9। यही हमारे सवाल का आंसर बन रहा होगा। चलिए दोस्तों एक और छोटे से एग्जांपल के साथ शुरू करते हैं। जैसे मान लो मैंने लिखा भाई 4 रेज टू पावर 256 या 14 रेज टू पावर 256 इनटू 19 रेज टू द पावर 257, इतनी बात मैंने लिख दी और गुणा करके आपने इकाई का अंक यहां पे बताना है। तो मैंने आपको एक ही बात समझाई कि भाई सिर्फ यूनिट डिजिट पे फोकस करिए, इस 4 पे फोकस करिए, इस 1 पे नहीं। एक तो आप बात यहां से लिख लेंगे कि 4 की पावर 256 है ये सिर्फ, इनटू ऐसे यहां पे भी सिर्फ यूनिट डिजिट पे फोकस करें, इस 1 से कोई मतलब आपका नहीं रहना चाहिए। यूनिट डिजिट कितना है यहां पे, 9, इस पे फोकस करें, 9 की पावर 257। तो जैसे ही 4 और 9 बेस आपको दिखा, आपके दिमाग में घंटी बज जानी चाहिए कि 4 और 9 पे हम कैसे चेक करते हैं, इवन और ओड के थ्रू। तो 4 की पावर आपको कैसा नंबर दिख रहा है भाई, ये एक इवन नंबर है, तो 4 की पावर कोई भी छोटा सा इवन नंबर कर लो कितना, 2। ऐसे ही 9 की पावर ये आपको कैसा नंबर दिख रहा है, एक ओड नंबर दिख रहा है, तो 9 की पावर एक कोई छोटा सा ओड नंबर कर लो कितना, 1। तो भाई 4 की पावर 2 कितना रहता है, 16, और 16 में यूनिट डिजिट कितना रहता है, 6, इनटू 9 की पावर 1 कितना रहता है, 9। 6 को अगर 9 से गुणा कर दे कितना आएगा, 54। 54 में इकाई का अंक कितना रहेगा, 4। चलिए दोस्तों इसके बाद हम एग्जांपल ले लेते हैं 01546 के। मैं बारी बारी से अपनी बात समझा रहा हूं, उसके बाद सारे मिसलेनियस क्वेश्चन लेंगे इन पे, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन लेंगे। जैसे मान लो मैं आपको कह दूं भाई कि मुझे 5 की पावर 125 गुणा 6 की पावर 130 करके बता दो रिजल्ट कितना आएगा। जैसे 5 की पावर आप कितनी ही खोल लो इकाई का अंक कितना रहेगा, 5। आपने कोई ध्यान ही नहीं देना पावर पे, कितनी ही पावर हो। मैं आपसे कह दूं भाई 6 की पावर करो, तो 6 की कितनी ही पावर कर लो इकाई का अंक कितना रहेगा, 6। 5 को 6 से अगर गुणा कर दे कितना आएगा, 30, और 30 में इकाई का अंक कितना रहेगा, 0। मैं आपको एक और बात समझाना चाहता हूं दोस्तों यहां से, कि 5 को किसी भी इवन नंबर से गुणा करने पर, मेरी बात को ध्यान से समझना, 5 को किसी भी इवन नंबर से गुणा करने पर ऑलवेज यूनिट डिजिट कितना बनता है, 0।
जिससे कि 5 को अगर 2 से गुणा कर दिया जाए 5 दुनी कितना 10 0, 5 को 4 से गुणा कर दिया जाए 20 यूनिट डिजिट कितना 0, 5 को 6 से कर दिया जाए गुणा तो 30 आएगा, 30 में यूनिट डिजिट 0, 5 को 8 से कर दो भाई 40 यूनिट डिजिट 0। मतलब 5 को एक इवन नंबर से गुणा करने पर ऑलवेज यूनिट डिजिट कितना बनता है 0 बनता है। उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ आई होगी। एक और चीज आपको समझाना चाह रहा हूं कि भाई 5 को किसी ओड नंबर से अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑलवेज आपको यूनिट डिजिट कितना मिलेगा 5। देखिएगा ध्यान से, जैसे मान लो मैं कहूं 5 को 1 से गुणा कर दो यूनिट डिजिट 5, 5 को 3 से गुणा कर दो भाई 15 यूनिट डिजिट 1, मैं कहूं 5 को 5 से कर दो 25 यूनिट डिजिट 5, 5 को 7 से कर दो 35 35 यूनिट डिजिट 5। क्लियर? तो दो बातें आपने ध्यान रखनी है, ये 5 को किसी इवन नंबर से गुणा करेंगे तो ऑलवेज रिजल्ट कितना मिलेगा 0, 5 को किसी भी ओड नंबर से गुणा करेंगे यूनिट डिजिट ऑलवेज कितना मिलेगा हमें 5 मिलेगा। क्लियर है ये बातें? उसके बाद देखिएगा, जैसे मान लो मैं आपसे कह दूं कि भाई 231 रेज टू पावर 1024 इंटू 325 रेज टू द पावर 2312 इंटू 126 रेज टू द पावर 1078, ऐसा मैंने लिखा और गुणा करके आपने इकाइकांक बताना है। तो आप एक सिंपल सी बात ऑब्जर्व करेंगे इस क्वेश्चन में, क्या ऑब्जर्व करेंगे, एक तो इनके यूनिट डिजिट पे फोकस करें, यहां पे कितना है 1, यहां पे कितना है दोस्तों 5, यहां पे कितना है 6, बेस का जो यूनिट डिजिट है हमने सिर्फ उस पे फोकस करना है। तो 1 की पावर कितना ही कर लीजिए 1 ही रहेगा, 5 की पावर कितना ही कर लीजिए यूनिट डिजिट 5 रहेगा, 6 की पावर कितना ही कर लीजिए यूनिट डिजिट कितना रहेगा 6 ही रहेगा। तो भाई 5 को अगर किसी इवन नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, अभी अभी बताया यूनिट डिजिट कितना आएगा 0। चलिए दोस्तों एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको बातें समझाता हूं, देखिएगा, जैसे मान लो मैंने लिख दिया 2 रेज टू पावर 35, 2 की पावर 35 लिख दिया और आप मुझे बता दो कि भाई इसमें इकाइकांक कितना आएगा। तो आपने क्या देखना है कि इसका बेस कितना है 2, ये 2 बेस है तो दिमाग में आना चाहिए कि भाई 2, 3, 7 और 8 इनके जब इकाई के अंक हम करते हैं तो हर 4 पावर पर दोहराए जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल छोटी सी बात मैं लिख देता हूं, जो मैंने लास्ट में अभी आपको समझाया था आप उसको प्रीवियस पीछे जाके देख सकते हैं, 2 की पावर 1 2 रहता है, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 16 मतलब 6 रहेगा, 2 की पावर 5 में 32 मतलब 2 रहेगा, 2 की पावर 6 में फिर 4 आ जाएगा, 2 की पावर 7 में 8 आ जाएगा, 2 की पावर 8 में 6 आ जाएगा। क्लियर इतनी बात? तो भाई बात समझना मेरी बड़े ध्यान से कि ये हर 4 पावर पर रिपीट करेंगे इनके इकाइकांक, मतलब जो पहली 4 पावर का पैटर्न है वही अगली 4 पावर का पैटर्न है, उससे आगे भी अगर 4 पावर करेंगे तो सेम पैटर्न आने लग रहा होगा 2, 4, 8, 6। तो हम क्या करते हैं कि भाई 2 की पावर ये 35 है, तो ये जो पावर 35 है इसका मतलब 2 को गुणा करना है कितनी बार 35 बार, 2 को गुणा करना है 35 बार। तो आप क्या करेंगे, ये जो पावर है 35 इसको आप डिवाइड कर लेंगे कितने से, जितने पे वो पैटर्न रिपीट कर रहा है, बिल्कुल सही 4 पे रिपीट कर रहा है तो आप 4 से इसको डिवाइड कर लेंगे, 4, 8, 32 रिमाइंडर इसमें कितना बच रहा होगा 3, शेषफल बच रहा होगा दोस्तों 3। तो एक सिंपल सी बात आपने समझनी है कि जो पावर है इसको 4 से डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर अपने पास आया, बस इस पावर को काट के वो रिमाइंडर ही लिखेंगे आप, 2 की पावर कितना लिख देंगे दोस्तों 3, शेषफल हमारे पास 3 आया था तो रिमाइंडर लिख देंगे 3। आपको ये बात बहुत बेहतर तरीके से समझ में आई भी होगी कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, 4 से क्यों डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि हम 4-4 के वो पैटर्न हटा देना चाहते हैं जो बार बार रिपीट हो गए। तो आप ये समझ पाए होंगे यहां से कि 8 तक भाग चला गया मतलब 8 बार ये पैटर्न रिपीट हो गए, तो शेष रिमाइंडर कितना बचा 3, हम स्टार्टिंग की 3 पावर पे आ गए, फिर से यहां पे आ गए 3 पावर पे। क्लियर? तो दोस्तों 2 की पावर 3 पे जो इकाइकांक रहेगा वो कितना रहेगा 8, यही हमारे सवाल का आंसर। मैं एक और छोटा सा एग्जांपल आपके सामने लेता हूं, जैसे मैंने कह दिया भाई कि 32 की पावर 38, 32 की पावर 38, मुझे इकाइकांक बता दो। तो आपने क्या करना है, 32 में फोकस नहीं करना, फोकस करना है इसके इकाई के अंक पे, कितना है 2। आप यहां से 3 को छोड़ दे बिल्कुल, आप ये समझे सिर्फ 2 की पावर 38,
दो की पावर 38, जैसे ही मुझे बेस दो दिखा तो मेरे दिमाग में ये आएगा कि पावर चार चार पे रिपीट हो रही है, मतलब ये जो पावर मुझे 38 दिख रहा है इसको मैं चार से डिवाइड करूंगा और रिमाइंडर का पता लगाऊंगा। 38 को चार से भाग दिया, चार अठे 32, चार नीम 36, तो रिमाइंडर कितना आएगा भाई 2। तो आप सिर्फ इस पावर को हटा के यहां से सिर्फ रिमाइंडर लिखेंगे, 2 की पावर कितना 2 और उस पर एकाएक अंक कितना रहता है 4। मेरी बात समझ में आई होगी आपको। तो ये पैटर्न अगर 2 पे लग रहा है तो 3 पे भी लगेगा, 7 पे भी लगेगा और 8 पे भी लगेगा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बात समझाता हूं, मैंने लिखा भाई 43 रेज टू द पावर 115। मेरी बात बड़े ध्यान से समझना, 43 रेज टू पावर 115। आप क्या देख रहे हैं, बेस है 43, लेकिन मुझे 43 से मतलब नहीं है, 4 को यहां से हटा दूंगा, मुझे मतलब है सिर्फ किससे भाई 3 से, इसके यूनिट प्लेस से मतलब है 3 की पावर 115। तो 3 देखते ही मेरे दिमाग में यह आता है कि भाई पावर को कितने से भाग देना पड़ेगा 4 से, क्योंकि इसका पैटर्न जो रिपीट करता है वो 4 4 पावर पर रिपीट करता है। तो जब 115 को 4 से भाग दूंगा तो आप बात समझिए, पावर हमारी बड़ी भी होती चली जाएगी, 115 है आगे जाके 1015 हो जाए, हो सकता है 4 डिजिट में हो जाए, 5 में हो जाए। तो आपने एक छोटी सी सिंपल सी बात समझनी है, जब हम डिविजिबिलिटी करेंगे तो इस बात को क्लियर कर लेंगे, इस पावर को 4 से भाग देना और रिमाइंडर का पता लगाना है। आप जानते हैं कि 4 से कोई नंबर कब पूरा पूरा भाग हो जाता है, जब उस संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से कंप्लीटली डिवाइड हो रहे हो। लास्ट के 2 अंक हैं भाई कितने 15, तो 15 अगर 4 से भाग हो जाएगा तो ये संख्या पूरी 4 से भाग हो जाएगी, ये हम डिविजिबिलिटी के अंदर भी पढ़ेंगे, लेकिन मुझे अभी पता लगाना है रिमाइंडर का। तो भाई 15 तो 4 से भाग होता नहीं है, तो 4 से आप इसको भाग देके देखो रिमाइंडर कितना आएगा, 4 3 12, 15 में से 12 गया रिमाइंडर कितना आएगा 3। तो आपने सिर्फ इतना ही करना है, लास्ट के 2 अंकों को भाग देना है सिर्फ। मेरी हर बात को बड़े ध्यान से समझे और नोट करते रहे अपने साथ। तो बस आपने क्या लिखना है, इस पूरी पावर को हटा के यहां पे सिर्फ रिमाइंडर लिखना है, जो कि कितना आया था भाई 3 आया था, शेष आया था 3, और 3 की पावर 3 पे इकाई का अंक कितना रहता है 27, 27 में इकाई का अंक कितना रहेगा 7। यही अपने सवाल का आंसर। देखिए जैसे एक और एग्जांपल हम ले लें कि भाई मुझे बताओ 47 रेज टू द पावर 1025 इनटू, दोनों एग्जांपल इसी में ले लेता हूं, 78 रेज टू द पावर 2054। 47 में सिर्फ फोकस करना इकाई के अंक पे, यहां पे इकाई का अंक कितना है 7, बिल्कुल सही। तो इस 4 को तो छोड़ दो, सिर्फ 7 को लेके चलो, यहां पे इकाई का अंक बताना जरा कितना है 8, तो 7 को छोड़ दो सिर्फ 8 को लेके चलो, इकाई के अंक पे फोकस रखें अपना। तो भाई 7 की पावर 1025 और 8 की पावर 2054। तो हमने क्या करना है भाई, इस पावर को यहां पे 4 से डिवाइड करना होगा। तो मैंने आपको एक सिंपल सा फंडा बताया 4 से भाग करने का, कि संख्या के अंतिम 2 अंकों पे फोकस रखिए, 25 है, 25 को 4 से भाग देंगे, 4 6 24, रिमाइंडर कितना देगा 1। तो इस पूरी पावर को हटा के यहां से सिर्फ क्या लिखेंगे भाई, रिमाइंडर 7 की पावर 1 गुणा। ऐसे ही 8 की पावर 2054 है, तो आपने किस पे फोकस करना है, लास्ट के 2 अंकों पे, क्योंकि पावर को 4 से भाग देना है तो लास्ट के 2 अंकों पे फोकस करें। 54 को अगर 4 से भाग देंगे तो 52 तक कंप्लीटली डिवाइड होगा, रिमाइंडर मुझे कितना दे रहा होगा 2। तो मैं क्या करूंगा, इस पूरी पावर को यहां से हटा के सिर्फ रिमाइंडर लिखूंगा 8 की पावर 2, क्लियर। तो भाई 7 की पावर 1 कितना रहता है 7 ही रहता है, और 8 की पावर 2 में यूनिट डिजिट कितना होता है 4, सिर्फ यूनिट डिजिट पे काम करें, 8 की पावर 2 64, यूनिट डिजिट 4, 7 को अगर 4 से गुणा कर दिया जाए तो कितना आएगा 28, और भाई उसमें यूनिट डिजिट कितना रहता है 8। जैसे मान लो मैंने लिख दिया भाई कि 2 की पावर 28, 2 raised to power 28, मुझे बता दो यार इकाई का अंक कितना आएगा। तो आपने जैसे ही देखा कि भाई बेस 2 है तो पावर को 4 से भाग देना पड़ेगा, 28 को अगर 4 से डिवाइड कर दूं तो रिमाइंडर कितना 0। यस, ये पावर 4 से एग्जैक्टली डिविजिबल है। जब भी पावर 4 से एग्जैक्टली डिविजिबल होती है, अब इधर आ जाओ एक बार समझने के लिए मेरी बात, कि भाई 2 की पावर 4 उस पर इकाई का अंक कितना है 6, मतलब पावर 4 से एग्जैक्टली डिवाइड हो रही है। अब आ जाओ 2 की पावर 8 पे, पावर 8 है, 8 भी 4 से डिवाइड होता है पूरा पूरा, इकाई का अंक यहां भी कितना है भाई 6। ऐसे ही आप 2 की पावर 12 पे जाएंगे ना
तो इकाइकांक वहां पे भी कितना दिखेगा आपको, 6, क्योंकि जब जब पावर 4 से डिवाइड हो जाती, यही पैटर्न तो रिपीट करेगा यार, यही तो सीखा है हमने यहां पे बात, कि 2 की पावर 4 पे भी इकाइकांक 6 रहेगा, 2 की पावर 8 पे भी 6 रहेगा, 2 की पावर 12 पे भी 6 रहेगा, ऐसे ही 2 की पावर 16 पे भी 6 रहेगा। मतलब ये समझा हमने कि जब जब पावर 4 से डिवाइड हो जाएगी एग्जैक्टली, तो इकाइकांक वही होगा जो 2 की पावर 4 पे है। क्लियर, एक छोटी सी पावर के ऊपर आ जाएंगे। देखो जब रिमाइंडर 1 बचता है तो हम 2 की पावर 1 पे आ जाते हैं, जब रिमाइंडर 2 बचता है तो हम 2 की पावर 2 पे आ जाते हैं, जब रिमाइंडर 3 बचता है तो 2 की पावर 3 पे आ जाते हैं, जब रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचा मतलब एग्जैक्टली डिविजिबल हो गया तो 2 की पावर 4 पे आ जाएंगे। उम्मीद है आपको समझ में आएगी ये बात। देखो ध्यान से, 2 की पावर 28 भाई ये 4 से पूरा डिवाइड हो रहा है, तो जब भी 4 से पूरा डिवाइड हो जाए तो 2 की पावर 4 पे जो इकाइकांक रहेगा वही हमारे सवाल का उत्तर। तो 2 की पावर 4 वैसे आपको याद भी होना चाहिए, पावर सर इंडिसेस में पढ़ेंगे इसके बारे में, अगर याद नहीं तो ऐसे लिख के भी कर सकते हैं, 2 को 4 बार गुणा करना है तो 2 दुनी 4, 4 दुनी 8, 8 दुनी 16, और 16 में कितना रहेगा 6, ये हमारे सवाल का उत्तर। अब ये रूल अगर 2 पे लग गया तो इन सब पे लगेगा, इन चारों पे लगेगा, 2, 3, 7 और 8 के ऊपर, सब के ऊपर। जैसे मान लो मैं आपसे कहूं कि भाई 3 की पावर मैंने कर दिया है, 3 ना लिख के 73 लिख दिया, मतलब तो इसका भी 3 ही रहेगा क्योंकि यूनिट पे ही फोकस करना है। 73 रेज टू द पावर भाई लिख दिया 2052। बड़े ध्यान से समझना बात को, 73 रेज टू द पावर 2052। तो आपने क्या देखना है, पहले तो देखा 73 से कोई मतलब नहीं है, 7 हटा दिया, कितना लिया सिर्फ 3, तो 3 की पावर 2052। अब मुझे पावर को 4 से भाग देना है तो मुझे 4 का रूल ध्यान है कि 4 का रूल ये कहता है कि सिर्फ लास्ट के 2 अंकों पे फोकस करें, उनको भाग दे के देखें। तो भाई लास्ट के 2 अंक 52 है, 52 को 4 से डिवाइड किया तो एग्जैक्टली डिविजिबल है ये, रिमाइंडर यहां पे 0 बन रहा है। तो मैंने आपको एक ही बात समझाई कि भाई अगर रिमाइंडर 0 बन जाए तो 3 की पावर 4 पे जो इकाइकांक रहेगा वही हमारे सवाल का उत्तर, मतलब पावर 4 पे जो इकाइकांक रहेगा वही हमारे सवाल का उत्तर। तो 3 की पावर 4, अब आपको 3 की पावर 4 हो सकता है किसी को याद ना हो, वैसे याद रखनी चाहिए, 81 रहता है, तो 3 को 4 बार मल्टीप्लाई करना है, इसका मीनिंग ये है। तो भाई 3 तिया 9, 9 तिया 27, अब सिंगल डिजिट पे आ जाओ, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 में 7 रहेगा, और 7 को 3 से गुणा कर देंगे तो कितना आएगा 21, 21 में कितना रहेगा 1 रहेगा। क्लियर भाई, तो इस सवाल का उत्तर रहेगा 1। एक और छोटा सा एग्जांपल मान लो मैं आपको दे दूं कि भाई 258 रेज टू द पावर 4096, 25 पे तो फोकस करना ही नहीं है, सिर्फ यूनिट डिजिट पे कितना है 8, 8 की पावर ये है, तो 8 के लिए तो यही रूल दिमाग में आता है कि पावर को 4 से भाग देना पड़ेगा। तो पावर को 4 से भाग देना बहुत बड़ी पावर है, तो मुझे सिर्फ लास्ट के 2 अंकों पे फोकस करना है 96 को अगर 4 से डिवाइड करूंगा तो भाई 4 पे एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा ये तो 24 तक, ठीक है। तो रिमाइंडर कितना मिला 0, और जैसे ही रिमाइंडर आपको 0 मिला तो मतलब 8 की पावर 4 पे जो यूनिट डिजिट रहेगा वही हमारे का क्या रहेगा भाई आंसर, 8 की पावर 4। 8 की पावर 4 अगर आपको याद नहीं है तो 8 को कितनी बार गुणा करना है भाई 4 बार, 8 को कितनी बार 4 बार, 8 8 64, सिंगल डिजिट पे आ जाओ, 64 में इकाइकांक कितना है 4, 4 को 8 से गुणा किया 32, इकाइकांक 2, 2 को 8 से किया 16, 16 में इकाइकांक 6, तो हमारे सवाल का आंसर कितना बन रहा होगा 6। उम्मीद करता हूं इतनी बातें आपको मेरी समझ में आई होगी। दोस्तों इससे ज्यादा यूनिट डिजिट में कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है, यही कॉन्सेप्ट है सिर्फ सारे के सारे जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए। आपने सिर्फ 3 बातों को ध्यान रखना है कि 2, 3, 7 और 8 इनके इकाई के अंक तो हर 4 पावर पर दोहराएंगे, मतलब पावर को कितने से भाग देना है 4 से, तो जो रिमाइंडर आएगा वही हमने लिखना, उस पर इकाई अंक जो होगा वो आंसर रहेगा, या पावर 4 से एग्जैक्टली डिविजिबल है तो उसके पावर 4 पर जो इकाई अंक रहेगा वो हमारा आंसर रहेगा। उसके बाद मैंने कहा कि 4 और 9 के केस में हमने इवन और ओड से चेक करना है, और तरीका मैंने आपको बताया कैसे। उसके बाद 0, 1, 5 और 6 मैंने कहा इनके कितनी ही पावर कर लीजिए इनके इकाई के अंक यही नंबर रहेंगे। तो ये सारे कॉन्सेप्ट थे। इसके बाद हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, आप ध्यान से बातों को समझना, मैं सारे बढ़िया क्वेश्चन यहां पे उठाऊंगा।